नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजा एकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 15 हमारा ऑडिटिंग क्लास सीरीज़ का। ऑडिटिंग में इससे पहले लेक्चर 14 आया था जिसमें हमने बात करी थी वेरीफिकेशन की। उसी वेरीफिकेशन के टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने वेरीफिकेशन की जो बात करी थी दोस्तों, हमने उसमें हमारी जो इनटेंजिबल असेट्स हैं उसकी वेरीफिकेशन कर ली थी। आज हम बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ, नंबर वन, वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स की वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन किस प्रकार की जाती है। फिर हम वेरिफिकेशन करेंगे ऑफ फ्लोटिंग असेट्स, जैसे करंट असेट्स हो गई हमारी। एंड फाइनली हम वेरिफिकेशन करेंगे ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एंड फिर हम एक डिफरेंस करेंगे एंड में वाउचिंग, जो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन के बीच में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। बीकॉम, बीबीए, एमबीए, इवन दो सीए इंटर, इन चारों लेवल्स पे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो टॉपिक हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑडिटिंग के, पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स में जो आज हम स्टडी करेंगे वो है फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग की वेरिफिकेशन। फ्री होल्ड का मतलब होता है दोस्तों, जिसकी हमारे पास रजिस्ट्री हो, जिस पर्टिकुलर लैंड के हम मालिक हैं, उस ज़मीन के कागज़ हमारे नाम पर हैं, वो होती है फ्री होल्ड लैंड। देखिए, हम सभी जानते हैं जब हम लैंड की वेरिफिकेशन करते हैं, लैंड एक ऐसी वैल्यू होती है, लैंड एक ऐसी एसेट है जिसकी डेप्रिसिएशन नहीं लगती, जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगती। ज़मीन पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। हाँ, समय के साथ कभी कभार उसकी वैल्यू कम होती दिखती है, मगर मोर और लेस उसकी वैल्यू बढ़ती ही है। सो द ऑडिटर शुड एग्जामिन द टाइटल डीड टू एंश्योर दैट दे आर इन द नेम ऑफ द क्लाइंट। यानी कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ वेरिफिकेशन के टाइम पे ऑडिटर का क्या काम बनेगा, टाइटल डीड। टाइटल डीड क्या होता है, रजिस्ट्री। जैसा मैंने आपको बताया, रजिस्ट्री से चेक किया जाएगा कि वो कंपनी के नाम पर है, क्लाइंट के नाम पर है या नहीं। इसके अलावा इन एडिशन और एनी एडिशन और सेल ड्यूरिंग द ईयर, अगर मान लो हमने और एसेट्स खरीदी है या हमने उसको किसी एग्जिस्टिंग एसेट को सेल करा है, तो वो भी हमें केयरफुली एग्जामिन कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़, इसके वैल्यूएशन की बात करें अगर हम, तो वैल्यूएशन क्या है इसका, फ्री होल्ड लैंड बींग अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। जैसे मैंने आपको बताया, इस पर डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं है, सो इट इज़ जनरली शोन एट कॉस्ट। इसे कॉस्ट पे दिखाया जाता है, नॉर्मली असेट्स को दिखाया जाता है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। अब आप ही बताइए, जिस चीज़ के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं, उसे तो हम सीधा सीधा कॉस्ट पे ही दिखाएंगे ना दोस्तों। तो कॉस्ट पे इसको शो किया जाता है, विच इंक्लूड्स द परचेज प्राइस। इसमें तीन से चार चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। एक होता है परचेज प्राइस, जो इसमें काउंट होता है। दूसरा, अगर हमने खरीदी थी तो हमने इसमें ब्रोकर्स की कमीशन दी थी, दलाल की कमीशन। तीसरा, हमने जो कागज़ करवाए थे उसके रजिस्ट्रेशन फीस और लीगल चार्जेस, अगर ऐसी कोई अमाउंट हमने पे करे हैं एट द टाइम ऑफ कॉस्ट, तो ये चारों चीज़ें कॉस्ट में ऐड की जानी चाहिए। इन चारों चीज़ों को कंसिडर करके ही हम वैल्यूएशन कंसिडर करना मानेंगे। तीसरी चीज़, एनी पेमेंट इज़ मेड टू म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। होता क्या है, समय समय के साथ एसेट की वैल्यू बढ़ती है। अगर आसपास कोई डेवलपमेंट काम हो रहा है आपके ज़मीन के आसपास, गवर्नमेंट मान लो आपकी ज़मीन के आसपास मेट्रो का प्रोजेक्ट ले आती है, इससे आपकी असेट की वैल्यू बढ़ जाती है। कोई पब्लिक यूटिलिटी सेंटर खुल जाता है, मान लो कोई आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल गया, उससे आपकी असेट की वैल्यू बढ़ गई। तो उसके रिगार्डिंग अगर आपने कोई डेवलपमेंट चार्ज गवर्नमेंट को पे करे हैं, गवर्नमेंट ऐसे में आपको नोटिस भेजती है डेवलपमेंट चार्ज का, तो वो अगर आप पे करते हैं तो वो भी कॉस्ट में इंक्लूड करा जाना चाहिए। इफ़ मार्केट रियलाइजेबल वैल्यू इज टेकन एज बेसिस फॉर वैल्यूएशन ऑफ फ्री होल्ड लैंड, सो द सेम शुड बी डिस्क्लोज्ड क्लियरली इन द बैलेंस शीट। अगर आप कॉस्ट पे लेकर नहीं चलते एसेट को, तो आप मार्केट वैल्यू, जो भी मार्केट में एसेट आज की डेट में एग्जिस्ट कर रही है, मार्केट में अगर बेचोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, तो अगर आप वो लिखा के चल रहे हो, वो शो करके चल रहे हो बिजनेस में अपनी बुक्स के अंदर, तो आप उस चीज़ को कंसिडर करके चलेंगे। मैंने बताया था ना प्रीवियस क्लास में कि कितने तरीके होते हैं एक एसेट को कॉस्ट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, रिप्लेसमेंट वैल्यू पे, कई वैल्यूज़ के ऊपर हम शो कर सकते हैं। तो फिक्स एसेट को आइदर आप कॉस्ट प्राइस पे या फिर मार्केट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्री होल्ड लैंड। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए, बिल्डिंग एक डेप्रिसिएबल एसेट है, तो इसकी वैल्यूएशन कैसी होगी, इट शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन।
यानी कि जिस चीज़ के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा आपको उसको कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके ही अपनी बुक्स में शो करना पड़ेगा एट अ रीजनेबल रेट। और डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं कि जो मर्जी आप लगा दो, एक रीजनेबल, एक एक्चुअल रेट जो भी मार्केट में चलने लग रहा है। सो एक्चुअली द मार्केट और रियलाइज वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, समय के साथ इसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप एसेट की वैल्यू जो दिखा रहे हैं वो ठीक तरीके से दिखा रहे हैं या नहीं। मोस्टली जो भी फ्रॉड किए जाते हैं, बैलेंस शीट की पोजीशन को बेटर दिखाया जाता है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा के या गिरा के दिखाया जाता है। अगर सिचुएशन वर्स्ट करनी है तो बिल्डिंग की वैल्यू पे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं, अगर अच्छी दिखानी है तो बिल्डिंग की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन बहुत ही कम दिखाते हैं ताकि एसेट वैल्यू इन्फ्लेटेड दिखे। तो ये काम नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ऑडिटर ध्यान से देखे। नेक्स्ट है हमारे पास लीज होल्ड प्रॉपर्टी। देखो लीज होल्ड, लीज के केस में क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, एक होता है लेजर और एक होता है लेजी। बेसिकली लीज क्या है, लीज होता है एक टर्म, एक टर्म के लिए आपने एक बिजनेस, एक ज़मीन के मालिक से उसकी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करने के लिए ले रखी है, जिसके लिए आप कुछ रेंट अमाउंट पे कर रहे हैं, कुछ लीज अमाउंट कहते हैं उसको, बेसिकली वो लीज अमाउंट आप पे करते हैं। तो इसका एक टाइम पीरियड होता है। जो पार्टी जिसने अपनी प्रॉपर्टी दी है यूज़ करने के लिए वो कहलाएगा लेजर, और जो यूज़ कर रहा है वो कहलाएगा लेजी। तो इसमें जो डिटेल्ड होती है वैल्यूएशन की, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए ये लेन देन हुआ है, वो लीज एग्रीमेंट में दिखाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, द ऑडिटर शुड इंस्पेक्ट द लीज एग्रीमेंट टू फाइंड आउट द वैल्यू एंड ड्यूरेशन। द ऑडिटर शुड सी दैट द लीज एग्रीमेंट इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार एंड सर्टिफिकेट टेस्टिंग टू द वैलिडिटी ऑफ द सेम। ऑडिटर ये देखे कि जो लीज एग्रीमेंट है वो रजिस्ट्रार से रजिस्टर है या नहीं है, कि ये तो नहीं कि कहीं बस एक नोटरी क्लब वाले में जाके हमने एक छोटा सा एग्रीमेंट करवा लिया। प्रॉपर एक रजिस्ट्रार ऑफिस जाके इसकी आप कह सकते हो कि एग्रीमेंट फीस जमा होती है और तब जाके वो वैलिड माना जाता है। और एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट टेस्टिंग। हायर लेवल पे आप पढ़ोगे लीज के भी कई तरह के प्रकार होते हैं, ऑपरेटिंग लीज होती है, फाइनेंस लीज होती है। तो ये टाइप के जो लीज के जो टाइप्स हैं उसे चेक करने के लिए सर्टिफिकेट टेस्टिंग की जाती है कि किस टाइप की लीज है ये और कितने टाइम के लिए है ये वैलिड। तो वो चीज़ भी ऑडिटर को चेक करनी रहती है। अब इसकी वैल्यूएशन की बात करें, यहाँ से वेरिफिकेशन से तो पता लग जाएगा कि जो लीज़ है वो वैलिड है या नहीं है, वो आपके क्लाइंट के नाम पे है या नहीं है। वैल्यूएशन कैसे होगी, तो वैल्यूएशन के लिए लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। जैसे जैसे आपका जो लीज का टर्म है वो कंप्लीट होता जाता है, वैसे वैसे डेप्रिसिएशन की वैल्यू बढ़ती जाती है। और सफिशेंटली राइट ऑफ किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा डेप्रिसिएशन, ये कम्प्लीटली जो भी लाइफ पीरियड है लीज़ की उसमें देखा जाता है। ये चीज़ भी ऑडिटर को चेक करनी चाहिए। तीसरा है वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। वेरिफिकेशन की बात करें प्लांट एंड मशीनरी की, तो देखो अब एक प्लांट एक मशीन तो होगी नहीं, तो वेरिफिकेशन जो शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है, जैसे ही आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे बीइंग एन ऑडिटर, आप एक स्केड्यूल मंगाएंगे। वहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा, जो भी उस मशीन्स को प्लांट को मेंटेन करता है, उस जिसके पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे स्केड्यूल मंगाएंगे। स्केड्यूल में लिस्ट होगी कि क्या क्या प्लांट, क्या क्या मशीनरी ओन करे बैठा है बिजनेस आपका क्लाइंट, उसके हिसाब से आप अपनी वेरिफिकेशन शुरू करेंगे। तो ऑडिटर शुड कमेंस द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन बाय ऑब्टेनिंग अ स्केड्यूल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सर्टिफाइड बाय रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द कंसर्न। दूसरी चीज़, जब आपको लिस्ट पता लग जाएगी फिर आप एक एक करके वैल्यूएशन चेक करेंगे। सो फॉर वैल्यूइंग द प्लांट एंड मशीनरी द ऑडिटर शुड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ईच मशीन, की कितनी मशीन्स हैं, उस लिस्ट को वो मेंटेन करेगा फ्रॉम द प्लांट रजिस्टर जो आपने स्केड्यूल मंगाया उससे, एंड शुड गेट द लिस्ट सर्टिफाइड बाय द वर्क्स मैनेजर। वर्क्स मैनेजर, यहाँ आर कर लेना दोस्तों, इधर जो है यहाँ पे आर आएगा, वर्क्स मैनेजर। वर्क्स मैनेजर होता है फैक्ट्री के अंदर जो हमारे एरिया को सुपरवाइज करता है, उसे कहते हैं वर्क्स मैनेजर। तो वर्क्स मैनेजर से हम एक लिस्ट मंगाएंगे, लिस्ट के हिसाब से हम एक एक करके सबकी वैल्यूएशन चेक करेंगे बीइंग एन ऑडिटर। द ऑडिटर शुड सी दैट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट एट अगेन कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन। रीजन वाई कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, इसको भी कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन भी दिखाएंगे। रीजन, एक डेप्रिशिएबल एसेट है, ध्यान रखना जहां जहां डेप्रिशिएबल एसेट आएगी वहां वहां कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन दिखाना है। अगर आपने कोई नई एसेट खरीदी है, चांसेस आर वेरी हाई कोई नई मशीन खरीद ली या कोई पुरानी बेच दी, तो उसका कंसिडरेशन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो हमने कंसिडर किया है या नहीं किया। ये तो दोस्तों बात हो गई हमारी किसकी, फिक्स एसेट की वैल्यूएशन की। अब बात करते हैं फ्लोटिंग एसेट्स। फ्लोटिंग एसेट्स कौन सी होती हैं दोस्तों, पहले वो देख लेते हैं। फ्लोटिंग एसेट से हमारा मतलब होता है ऐसी एसेट जो कि हमारी करंट एसेट का पार्ट है,
उसे ही नाम दिया जाता है फ्लोटिंग असेट। तो फॉर द टाइम बीइंग हमारी जितनी भी करंट असेट्स होती हैं, इस वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन के टॉपिक के लिए हम उसे नाम देंगे फ्लोटिंग एसेट्स। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहली फ्लोटिंग एसेट यहाँ पर है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड बहुत ही सिंपल है, इसकी वेरिफिकेशन क्या होगी, द ऑडिटर शुड वेरीफाई द कैश इन हैंड, कैलकुलेट करके काउंट करके डेट ऑफ बैलेंस शीट पे कितना कैश है, सिंपली उसे काउंट करना है। अब वैल्यूएशन ही वहीं से ही हो गई, इसमें वैल्यूएशन क्या, कैश की कोई वैल्यूएशन थोड़ी है, उस पर तो वैल्यू प्रिंट होती है, जो भी वैल्यू प्रिंट होती है मिंट करेंसी होती है, जो भी उस पर मिंटेड होगा पैसे की वैल्यू जड़ी होगी वही उसकी वैल्यूएशन है, इसलिए इसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता, ना ही कैश एट बैंक का। इसमें वेरिफिकेशन क्या होगी, BRS स्टेटमेंट बनाई जाती है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो ऑडिटर शुड वेरीफाई कैश एट बैंक बाय कंपेयरिंग दी बैलेंस इन कैश बुक एंड बैलेंस एट पासबुक, और ज़रूरत पड़े तो ऑडिटर शुड ऑल्सो प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ताकि करेक्ट पोजिशन निकाली जाए। तीसरा स्टॉक इन ट्रेड, जो हमने हमारे पास गुड्स है उसकी वेरीफिकेशन। तो इसकी वेरीफिकेशन देखो, बड़े बड़े बिजनेसेस में कितने स्टॉक की वेरीफिकेशन कर लोगे आप जा जाके, इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। रीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक पड़ा होता है, तो ऑडिटर फिजिकली वेरीफाई तो देखिए मुश्किल ही है कर पाता है, लेकिन हाँ वो टेस्ट कर सकता है, लिमिटेड टाइम को देखते हुए और नॉलेज की कमी को देखते हुए वो टेस्ट चेक कर सकता है, यानी कि वो सैम्पलिंग मेथड फॉलो कर सकता है, एक एक करके तो सारे गुड्स को चेक नहीं करेगा, यस टोटल गुड्स में से कुछ एक गुड्स की वैल्यूएशन चेक कर लेगा, वेरिफिकेशन देख लेगा कि वो वेरिफिकेशन वेरीफाई करेगा कि वो गुड्स जो है वो कंपनी के नाम पे लिया गया है या नहीं लिया गया, ताकि एक आइडिया लग जाए किसको, ऑडिटर को। जब ये कर लेगा तो फिर वो वैल्यूएशन कैसे करेगा, द स्टॉक इन ट्रेड बीइंग अ फ्लोटिंग एसेट, फ्लोटिंग मतलब उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, सो इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए होता क्या है, इट शुड बी वेरीफाइड विद कॉस्ट प्राइस और, यहाँ पे इसको वेरीफाई किया जाता है वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने ये 11th क्लास से सीखा है कि क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक को हमेशा किस फॉर्मूला के हिसाब से बुक्स में दिखाया जाता है, उसकी कॉस्ट प्राइस देखी जाती है और उसकी मार्केट प्राइस, जो भी वैल्यू कम होगी उस पर शो किया जाएगा, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताई थी। हालांकि जो कॉस्ट प्राइस होती है वो कई मेथड से निकाली जाती है, एक है यूनिट कॉस्ट मेथड, एक एवरेज कॉस्ट मेथड, फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मेथड हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, बेस स्टॉक एडजस्टमेंट सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। हमारे कोर्स में दोस्तों ये सब मेथड्स क्या हैं, किस तरीके से इसकी वैल्यूएशन होती है, ये नहीं है, ये हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर आप पढ़ चुके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग अपने सेमेस्टर्स में अपने ग्रेजुएशन में, तो आपको आइडिया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये आगे चल के आप कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इस टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों। हाँ जी जी, नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट से हमारा मतलब वो अमाउंट होता है जो कि एक बिजनेस एक कंपनी मार्केट में पैसा बाहर इन्वेस्ट करती है, वो चाहे लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीन में तो यूजुअली इनसाइड द बिजनेस होता है, लेकिन लैंड बिल्डिंग में ज़्यादा देखा जाता है, गोल्ड में होता है, म्यूचुअल फंड में होता है, शेयर्स में होता है। तो इसकी वैल्यूएशन करने से पहले वेरिफिकेशन की जाती है जो ऑडिटर करेगा, और वेरीफाई क्या करेगा कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो मार्केट रेट के हिसाब से दिखाई जा रही है या नहीं दिखाई जा रही। इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, न्यूज़पेपर्स की चेकिंग करेगा। आजकल तो आप इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू चेक कर सकते हैं तरह तरह की, आप कह सकते हैं अगर म्यूचुअल फंड में करिए या शेयर्स में करिए, वो तो ब्रोकर की वेबसाइट से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई ज़मीन जायदाद में करिए तो उससे रिलेटेड जो भी मैगजीन्स या जो भी सर्कुलर लॉन्च होते हैं, सर्कुलर इशू होते हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं बीइंग एन ऑडिटर, कि वेरीफाई करना कि वैल्यू जो दिखा रहे हैं हम अपनी बुक्स में वो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़, द सिक्योरिटी देमसेल्फ मे बी कंसल्टेड और द ब्रोकर्स नोट मे बी एग्जामिन्ड फॉर चेकिंग द कॉस्ट। अगर हमने शेयर्स में करी है, जैसा मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट शेयर्स में भी होती है, तो ब्रोकर का एक नोट होता है। आप जब कभी भी शेयर्स खरीदते हो तो शेयर्स खरीदते टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है जो आपके नाम पे जारी होता है। अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में शेयर्स खरीदे हैं तो आपको पता होगा दोस्तों, जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीदने के बाद डे एंड पे 5 से 6 घंटे के बाद, यानी कि मार्केट 3:30 बजे शेयर मार्केट क्लोज होती है, उससे 5 से 6 घंटे बाद यानी कि लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। पूरे दिन में आपने जो भी ट्रेड करा वो ब्रोकर नोट आपको बनाकर देगा, उसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। उसमें क्या प्राइस होता है, ब्रोकर अपनी कमीशन ऐड करता है किस प्राइस पे चीज़ें आपने खरीदी, तो वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट नोट से वेरीफाई करेंगे आप एज एन ऑडिटर। दूसरी चीज़, ऑडिटर शुड वेरीफाई द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड एज हैव ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड बिफोर द डेट ऑफ बैलेंस शीट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट एज आउटस्टैंडिंग वन। ऑडिटर ये भी वेरीफाई करेगा कि अगर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड
लेना है इन्वेस्टमेंट्स में हमने, तो वो बैलेंस शीट में हमने कंसिडर किया है या नहीं किया। अगर नहीं आया तो उसे एज एन अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम दिखाना है, और वैल्यूएशन चेक की जाती है कि हमने कहीं ज़्यादा तो नहीं दिखा रखी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, या ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू तो नहीं करा हुआ, तो उस चीज़ को देखा जाता है। अब दीज आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट विच इंक्लूड ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी। अब हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो उसमें सेम थिंग, जैसे हम कोई लैंड बिल्डिंग खरीदते हैं उसमें कॉस्ट के अंदर सारे खर्चे ऐड होते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी कोई अगर हमने खर्चे करे हैं तो वो ऐड करके चलते हैं। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट मार्क आपको पॉइंट जरूर करना है, वो ये है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंटली आप मार्क करेंगे वो ये है कि बट इफ़ इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड एज करेंट असेट, कई बिजनेसेस होते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ही डील करते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, यू नो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हो गई, NBFCs जैसे मुथूट फाइनेंस, उनका काम ही यही है डेली बेसिस में इन्वेस्टमेंट्स को खरीदना बेचना, उनके लिए तो वो करंट असेट है। सो दीज असेट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। अभी बताया था ना मैंने स्टॉक को हम जैसे दिखाते हैं रूल है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस का क्राइटेरिया चलेगा। सो ऑर्डिनरीली ही शुड इग्नोर अ टेम्परेरी फॉल। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार मार्केट वैल्यू बहुत तेजी से गिर जाती है इन्वेस्टमेंट की, अगर वो बहुत छोटे मोटे अमाउंट से थोड़ी मोड़ी गिरी है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत बड़े अमाउंट से गिर गई है, परमानेंट नेचर का डिक्रीज है, तो आपको उसके लिए डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास की जानी चाहिए अकाउंटिंग में। अगर नहीं करी हुई तो ऑडिटर इस चीज़ को चेक करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ फ्लोटिंग एसेट्स। तो ये हमारा फ्लोटिंग एसेट्स का हो गया। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज। कैपिटल की बात करें तो इन केस ऑफ फर्म द ऑडिटर शुड वेरीफाई दी लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल विद दी हेल्प ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए फर्म में क्या होता है, एक से ज़्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म है, अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो सिंगल पार्टनर होगा। हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड की, तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है, तो पार्टनरशिप फर्म में डीड के अंदर मेंशन किया जाता है कि कितनी कैपिटल इंडिविजुअली हर एक पार्टनर ने इन्वेस्ट करनी है, तो वहाँ से चेक करेंगे, और बैंक के थ्रू एंट्री डाली गई होगी तो पासबुक से भी आइडिया लगेगा, अगर कैश से एंट्री करी है तो, अगर मान लो पार्टनर कैश में लेकर आए हैं तो कैश बुक से एंट्री का पता लगाएंगे कि सिर्फ डीड में ही मेंशन है कि एक्चुअल में कैश आया भी है या नहीं आया। दूसरा इन केस ऑफ कंपनीज ऑडिटर कहाँ चेक करेगा दोस्तों, जी हाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में, याद है दोस्तों 11th क्लास में पढ़ा है हमने, इवन हमने ग्रेजुएशन में भी जब हमने कंपनी लॉ पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वेरियस क्लॉजेज होते हैं, उसमें एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, तो कैपिटल क्लॉज में शो किया जाता है कि कितनी कैपिटल के लिए फर्म हमारी कंपनी जो है वो रेस कर सकती है फंडिंग, टू वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन एज टू द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनीज ऑथराइज टू रेज। ही शुड ऑल्सो एसरटेन द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप, उसमें से मंगाया कितना है, कॉल्ड अप कितना है हर एक क्लास ऑफ शेयर, क्लास ऑफ शेयर का मतलब है प्रेफरेंस शेयर से कितना मंगाया है, इक्विटी से कितना मंगाया है, एंड ऑल्सो एसरटेन हाउ मेनी शेयर ऑफ ईच क्लास आर अलॉटेड एज फुल्ली पेड अप, उसमें से कितने फुल्ली पेड अप हैं, जिनसे मंगाया है उनसे सारा मंगा लिया या अभी पार्टली मंगाया है। सो ऑडिटर शुड ऑल्सो स्पेसिफाई दी सोर्सेज फ्रॉम विच द बोनस शेयर आर बींग इशूड, अगर पास्ट में कभी बोनस शेयर इशू करें हैं तो उस बोनस शेयर के लिए सोर्स, आई मीन हमारे पास बोनस शेयर इशू तभी कर सकते हैं जब प्रॉफिट अवेलेबल हो, फ्री में शेयर तभी दे सकते हैं, तो वो जो प्रॉफिट है वो कैपिटलाइज करे गए हैं यानी रिजर्व्स थे उसी को ही हमने कन्वर्ट करा है बोनस शेयर में, जिसमें हमने शेयर प्रीमियम अकाउंट का यूज़ किया है या कोई और पर्पस के हमने प्रॉफिट्स यूज़ करे हैं। ही शुड ऑल्सो इन्श्योर दैट कैपिटल प्रॉफिट इफ एनी अगर यूज़ हुए हैं तो कैपिटल प्रॉफिट अगर बने हैं तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसपोर्ट किया जाए। होता क्या है, देखिए हमने एक एंट्री पढ़ी हुई है छोटी क्लास में, ये हमने पढ़ा है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में, दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अगर हम शेयर फॉरफिट कर लेते हैं किसी का, किसी शेयर होल्डर का, इस कंडीशन में कि उसका पैसा नहीं आया, तो उस पैसे को हम क्या करते हैं अंत में कैपिटल रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो हमने किया है या नहीं किया इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास डिबेंचर्स, लायबिलिटी में अगला नंबर डिबेंचर्स का है। डिबेंचर्स क्या होते हैं, वो डॉक्यूमेंट जिस पे हमें, जिस पे हमने लोगों से लोन ले रखा है, जनरल पब्लिक से लोन ले रखा है। सो ऑडिटर कहाँ से वेरीफाई करेगा, नंबर वन डिबेंचर ट्रस्ट डीड से, जी हाँ दोस्तों डिबेंचर ट्रस्ट डीड DTD, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो डिबेंचर होल्डर्स और कंपनी के बीच में बनता है, जिसके अंदर डिबेंचर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू हुए, कंपनी ने अगर डिबेंचर इशू करे तो उसमें क्या क्या एसेट मॉर्गेज करी हुई हैं, क्योंकि डिबेंचर एक उधार का डॉक्यूमेंट है तो उसमें कितना इंटरेस्ट देना है वो भी इसमें मेंशन होता है,
मोर और लेस आज नहीं तो कल सूनर लेटर आपको डिवेंचर को पे बैक करना है, पैसा वापसी करना है, ज़िंदगी भर के लिए तो लेके नहीं रख सकते एज अ कंपनी, तो कब वापसी करेंगे वो इसमें मेंशन होता है। सो डिवेंचर ट्रस्ट डीड शुड बी इंस्पेक्टेड एंड विद इट्स हेल्प द डिवेंचर अकाउंट इन द लेजर शुड बी एग्जामिन। इसी डिवेंचर ट्रस्ट डीड की हेल्प से हम देखेंगे कि कितने अमाउंट के डिवेंचर हमने इशू करे और उसकी लेजर में अकाउंटिंग एंट्री हुई है या नहीं। यदि ज़रूरी होगा, इफ़ नेसेसरी, द ऑडिटर कैन ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिवेंचर होल्डर्स। हम डिवेंचर होल्डर से भी एक सर्टिफिकेट ग्रांट करेंगे ये देखने के लिए कि जो डिवेंचर हमने कंपनी बुक्स में देखे हैं क्या जेन्युइनली वही डिवेंचर्स पब्लिक में लोगों को इशू हुए हैं या नहीं। तो टेस्टिंग मेथड से, सैम्पलिंग मेथड से हम किसी भी डिवेंचर होल्डर से सर्टिफिकेट की जो डिमांड है कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। सिंस द डिवेंचर आर सपोज टू बी रिडीम, जैसे मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि डिवेंचर को आज नहीं कल वापसी करना है, तो ऑडिटर ये देखेगा कि कंपनी ने नेसेसरी अरेंजमेंट करे हैं या नहीं करे पैसे के इंतजाम करने के, रिडम्शन करने के, कि पता लगे जब रिडम्शन का टाइम आए तो कंपनी कहे भैया हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और डिवेंचर में भी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, इसका भी चेक करना है। एन ऑडिटर शुड सी द डिटेल्स एज गिवन इन द रजिस्ट्रार ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस। जैसा मैंने बताया था डिवेंचर एक उधार का डॉक्यूमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग कई बार कंपनी अपनी असेट को गिरवी रखवाती है। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखवाना, या कोई असेट इसके रिगार्डिंग जो गिरवी ऑलरेडी रखवाई हुई है उसे कहते हैं चार्ज क्रिएट करना। तो किन किन असेट्स के वैल्यू को हमने गिरवी रखवाया हुआ है वो सब इसमें देखना होता है डिवेंचर के रिगार्डिंग, किसको, ऑडिटर को। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिटर्स। सो द फर्स्ट टास्क द ऑडिटर इज टू आस्क फॉर स्केड्यूल ऑफ क्रेडिटर। अब क्रेडिटर की लिस्ट अगेन, जैसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमने बात करी थी तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, प्लांट एंड मशीनरी की बात करी थी वहाँ पे भी हमने स्केड्यूल मंगाया था रिस्पॉन्सिबल पर्सन से, तो यहाँ पे भी स्केड्यूल मंगाते हैं कितने क्रेडिटर कंपनी के हैं। फिर परचेज लेजर से चेक करते हैं कि हमने, देखो क्रेडिटर क्रिएट हुए हैं तो परचेज लेजर, परचेज बुक में भी उसकी एंट्री वेरीफाई हुई होगी, तो परचेज लेजर से और जर्नल बुक, ओरिजिनल एंट्री वाली बुक यानी जर्नल बुक से, इनवॉइसेस से, क्रेडिट नोट से हम चेक करेंगे कि जो क्रेडिटर हैं वो जेन्युइनली हैं भी या नहीं, उसके रिगार्डिंग एक्चुअल में परचेज हुई है या नहीं, वो कहाँ से लगेगा पता, परचेज बुक से, जर्नल से, बिल से। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर शुड बी चेक्ड विद द रेफरेंस टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर हमारे क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो डिस्काउंट हमने प्रॉपरली उसे शो किया है या नहीं किया, क्रेडिटर अकाउंट में एडजस्ट किया है या नहीं किया, सी पॉइंट में हम ये देखेंगे। और लास्ट, अगर काफ़ी लंबे समय तक कोई क्रेडिटर की पेमेंट हमने नहीं करी तो हम देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कई बार ये होता है कि क्रेडिटर की पेमेंट पीछे से पास हो गई फाइनेंस डिपार्टमेंट से, लेकिन उस पैसे को मिस अप्रोप्रिएट कर लिया गया, मिस यूज़ कर लिया गया उसका, इस वजह से क्रेडिटर की पेमेंट आगे रोक रखी है, तो ये चीज़ तो नहीं कर रही कंपनी। सिंस इट इज़ पॉसिबल दैट इंस्टेड ऑफ पेइंग टू द क्रेडिटर द अमाउंट माइट हैव बीन मिस अप्रोप्रिएटेड, इस पैसे को यहाँ वहाँ ही लगा दिया कंपनी ने, तो ये ऑडिटर चेक करेगा जाकर। और नेक्स्ट है लोन्स। ऑडिटर लोन्स के केस में ये एग्जामिन करता है कि लोन एग्रीमेंट, जब हम कभी भी लोन लेते हैं तो लेंडर और बोरोअर के बीच में लोन एग्रीमेंट बनेगा, तो लोन एग्रीमेंट से हम चेक करेंगे कि कितने टर्म का लोन है, कितना अमाउंट लिया गया है, कितने पीरियड का है, क्यों लिया गया है, उसका नेचर। इनकेस लोन्स अगर आपके ओवरड्राफ्ट हैं जो बैंक से आपने ले रखे हैं, तो बैंक के बीच में एग्रीमेंट होता है ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड, तो वहाँ से चेक करेंगे कि ये किस पर्पज़ के लिए लिया गया है ओवरड्राफ्ट। तो लोन्स का आइडिया इस तरीके से लगाया जाता है। और लायबिलिटीज़ के इसमें जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस। अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है जो कि हमारे एक्सपेंसेस हैं जिसकी पेमेंट अभी पेंडिंग है, जैसे बिजली के बिल पेंडिंग है, सैलरी पेंडिंग है, लीगल एक्सपेंस, रेंट, वेजेस, मजदूरों की सैलरी रोक रखी है, तो वो हम देखेंगे कि उसका रीज़न क्या है, वेरीफाई करेंगे। ऑडिटर शुड ऑल्सो ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर कि ये जो चीज़ें आउटस्टैंडिंग हैं, पेमेंट जो अभी नहीं करी हैं, ये सही में हुई भी हैं या सिर्फ ऐसे ही अननेसेसरी कंपनी की बैलेंस शीट को वर्स्ट दिखाने के लिए, बुरा दिखाने के लिए किया जा रहा है, ताकि प्रॉफिट कम दिखाए जाएं और टैक्सेस की चोरी की जा सके, ऐसा भी कई बार कंपनी करती हैं, तो ऑडिटर इस चीज़ को भी वेरीफाई करता है। नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड फंड्स। रिजर्व्स मोस्टली क्या होते हैं, पैसे को अलग करके जोड़ के रख लिया जाता है ताकि फ्यूचर में काम आए, तो ऑडिटर ऐसे केस में एग्जामिन करता है, वेरीफाई करता है कि जो डिसीजन है रिजर्व क्रिएट करने का वो ज़रूरी था, सरकमस्टांस और नीड चाह रही थी कि रिजर्व होना चाहिए। कई बार लीगली भी ज़रूरत होती है रिजर्व बनाने की, जैसे बैंक्स को सीक्रेट रिजर्व बनाने पड़ते हैं, तो ये लीगल रीजंस की वजह से भी चेक किया जाएगा कि रिजर्व क्यों बनाए गए हैं और उसका पर्पस चेक किया जाता है। और लास्ट है इसके अंदर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसी इनकम जो हमने किसी से एडवांस में रिसीव कर रखी है, हमने कोई काम अभी करके नहीं दिया बट उसके रिगार्डिंग इनकम हमें पहले आ गई, तो हमारे लिए ये भी लायबिलिटी है, तो इसको भी डिस्क्लोज करते हैं, हम देखते हैं कि ये बैलेंस शीट में शो हो रही है या नहीं हो रही। ऑडिटर की ड्यूटी होती है ये एग्जामिन करना कि उससे रिलेटेड अगर मान लो इनकम आपकी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, रेंट से रिलेटेड है, रेंट आपको एडवांस में आया है या कोई इंस्टॉलमेंट एडवांस में आई है, तो उसे एज अ लायबिलिटी आप शो कर रहे हो या नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ
लाइबिलिटीज़। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वेरीफिकेशन एंड लाइबिलिटी, वेरीफिकेशन एंड वैल्यूएशन लाइबिलिटीज़ का कंप्लीट हो जाता है। लास्ट बचता है हमारा इसमें डिफरेंस। देखिए डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। हमने देखिए अब तक तीन चीज़ें करी हैं, एक करा है हमने वाउचिंग, एक हमने करा है वेरीफिकेशन, एंड साइमल्टेनियसली हमने कवर किया है वैल्यूएशन। तो देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है? जी बिल्कुल है, पेपर में आएगा, एग्ज़ाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, अगर आप ऑडिटिंग कर रहे हैं तो ऑडिटिंग में ये टॉपिक आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो प्लीज़ इसे देखिएगा बहुत ध्यान से। पहला डिफरेंस ये है वाउचिंग का कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दी एंट्रीज। एंट्री सिंपली कंपेयर की जाती हैं इसमें, बुक्स में जो भी हमने अपने आप कह सकते हैं वाउचर्स बनाए हैं उसके बेसिस पे, बोनाफाइड वाउचर्स। बोनाफाइड मतलब ऑडिटर ये चेक नहीं करता कि वाउचर ठीक है या गलत, ऑडिटर ये मान के चलता है कि वाउचर्स ठीक ही होंगे। बोनाफाइड मतलब वो ये पहले से मान के चलता है एट द वेरी फर्स्ट इंस्टांस कि वाउचर्स आर करेक्ट। वो गुड फेथ में ये देखता है, गुड फेथ मतलब ये अज्यूम करके चलता है कि कंपनी इतनी घटिया हरकत तो नहीं करेगी, क्लाइंट इतनी घटिया हरकत तो नहीं करेगा कि वाउचर ही झूठे होंगे। तो वाउचर्स बिल सारे जेन्युइन हैं ये मानते हुए वो बुक्स में सिंपली एंट्रीज की चेकिंग करता है कि वो हुई भी हैं या नहीं, उसे वाउचिंग कहते हैं। वेरीफिकेशन ऑन दी अदर हैंड ये होता है कि ओनरशिप, जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं चाहे वो एसेट हों बेसिकली या कोई और करंट एसेट हों, तो वो सही में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं और उसकी ऑनरशिप वो कंपनी के नाम पर है या नहीं, ये चेक किया जाता है। वैल्यूएशन में उसकी करेक्ट वैल्यू चेक की जाती है कि उसे बैलेंस शीट में चाहे वो असेट हों या लाइबिलिटीज़ हों, दोनों की वैल्यूएशन सीखी है दोस्तों, तो उससे करेक्ट वैल्यू पे शो किया जा रहा है या नहीं। तो ये तीनों का मीनिंग है, तीनों में ही देखिए अलग अलग मीनिंग निकल के आ रहा है। पहला तो इसका मीनिंग डिफरेंस हो गया, दूसरा है सब्जेक्ट मैटर। वाउचिंग जो है वो किस बेसिस पे की जाती है? जो बुक्स में जर्नल एंट्री की गई हैं और उसकी लेजर में पोस्टिंग की गई है उसके बेसिस पे। तो इट इज़ मेड ऑन दी एंट्रीज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग। वेरीफिकेशन ऑन दी अदर हैंड, एसेट और लाइबिलिटी जो बुक्स में अपीयर हुई हैं बैलेंस शीट में, जो साल के आखिरी में बनती है बैलेंस शीट ऑफकोर्स, उसके बेसिस पे की जाती है, एंड ऑफकोर्स वैल्यूएशन भी उसी के बेसिस पे। तो इससे देखो एक पॉइंट निकल के आता है, वेरीफिकेशन वैल्यूएशन बैलेंस शीट के बाद होगी तो ये ईयर एंड का कॉन्सेप्ट है, वाउचिंग तो जर्नल एंट्री के बाद ही हो जाएगी तो ये ड्यूरिंग द ईयर भी की जा सकती है ना। तो वैन पहले पढ़ लेते हैं, वाउचिंग इज डन आफ्टर द एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन बींग रिकॉर्डेड, जबकि वेरीफिकेशन एंड वैल्यूएशन कब होगी? फाइनेंशियल ईयर एंड में, जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना दोस्तों, सब्जेक्ट मैटर और वैन एक साथ आएगा। बाय हुम, कौन करता है? इट इज़ डन बाय द सीनियर ऑडिटर या ऑडिट क्लर्क कर देते हैं, जबकि वेरीफिकेशन क्या होता है? इट इज़ डन बाय ऑडिटर बाय हिमसेल्फ और हिज एसोसिएट, ऑडिटर भी कर सकता है या उसके कोई कलीग भी कर सकते हैं। सिंपली वैल्यूएशन भी उसी तरीके से होती है। एविडेंसेस वाउचिंग में तो वो जो वाउचर्स होते हैं वही नेसेसरी एविडेंस होता है, जबकि वेरीफिकेशन में टाइटल डीड, बहुत से गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। हमने पढ़े ना वेरीफिकेशन वैल्यूएशन, हम बहुत से डॉक्यूमेंट निकलवाते हैं, बिल्स निकलवाते हैं, इवन दो रजिस्ट्रीज निकलवाते हैं, पेमेंट की वेरीफिकेशन करते हैं, तब जाके हम वेरीफिकेशन पे कंक्लूड कर पाते हैं। एंड सेम वैल्यूएशन के साथ होता है, सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं ऑनर के, डायरेक्टर के, कि वो जो चीज़ें शो करी गई हैं वो ठीक तरीके से करी गई हैं या नहीं दोस्तों। सो फाइनली यहाँ पर आकर हमारा चैप्टर जो हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है, यूनिट 3 जो कि हमारा है इन्वेस्टिगेशन, वाउचिंग, वेरीफिकेशन एंड वैल्यूएशन। तो दोस्तों अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं आपको स्ट्रांगली अपील करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस जब भी आए आपको नोटिफिकेशन उसकी सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।